हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अभियाज़ अमेजिंग वर्ल्ड मैं आपका वेलकम करती हैं अपने ब्लॉग में तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपने पहले देखा था कि तोते पंजरे से बाहर निकल गए थे मम्मा ने दाल चावल बनाई थी और हमने खाए थे और उसके बाद रात को बाबा आए थे तो शानदार की बर्गर लेके आए थे वैसे हम लोग आम बर्गर खाते हैं लेकिन इसमें एक स्पेशल आई थी चीज़ कि इसमें रेशमी कबाब थे थर्सडे के दिन मैंने सुबह का कुछ शूट नहीं किया मैं सुबह का शूट करना भूल ही जाती हूँ और इसके बाद दोपहर में मैंने कपड़े चेंज किए स्कूल से आकर और मम्मा टिक्का बिरयानी की मैरिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी और इसके बाद मम्मा यहाँ पर अच्छी तरीके से मैरिनेट कर रही हैं क्योंकि मम्मा बना रही हैं टिक्का बिरयानी और एक तरफ बिरयानी बन रही थी और दूसरी तरफ मम्मा किचन में मसरूफ़ थी इस वजह से ईशू ने यहाँ पर पूरे घर को मैस कर दिया एंड देन फिर मेरी ड्यूटी थी घर को समेटने की क्योंकि मम्मा किचन में काम कर रही थी इसलिए मैंने घर को समेटा अच्छी तरीके से और थोड़ी बहुत वीडियो भी ले ली इसके बाद ममा ने इस पर कर्ड ऐड कर दी पता नहीं इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे ये तो मुझे नहीं पता और ये मैरिनेट हो गई अब मम्मा ने इसको रख दिया है मैरिनेशन के लिए ताकि जूसी जूसी हो जाए तिक्का बिरयानी और कटिंग शटिंग हो गई इसके बाद मम्मा ने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए रख दिया और एक तरफ इसका मसाला रेडी कर रही हैं क्योंकि बना रही हैं तिक्का बिरयानी और यहाँ पर टमाटोज भी कट हो गए फ्राई हो गई प्याज तो मेरी तरह छोटे छोटे क्यूट क्यूट टमेटोज डाल दी हैं और ये ममा के मसाले बॉक्स और मम्मा के हर मसाले बॉक्स पर कोई ना कोई चिट लगी हुई होती है एक दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मम्मा के पास कितने सारे किस्म के मसाले हैं और मम्मा किस किस मसाले से क्या क्या बनाती हैं तो इसके बाद इसमें मसाले डाल दिए और यहाँ पर आलू और मिर्ची डाल दी क्योंकि आलू के बगैर तो बिरयानी बनती ही नहीं है इसके बाद मम्मा को चिकन टिक्का पर वो जो कोयला रख के नहीं देते कुछ फिर इसके बाद स्मोक स्मोक हो जाता है तो मम्मा को वो करना था लेकिन वो कर ही नहीं पाई तो इसके बाद मम्मा ने डायरेक्ट सालन में कर दिया क्योंकि वो वीडियो बनाने के चक्कर में भूली गई थी तो यहाँ पर कोयल अच्छे तरीके से फ्लेम पर रख है और यहाँ पर फिर इसकी राइस की प्रिपरेशन हो रही है तो राइस की हो गई प्रिपरेशन और इसके बाद ये देख सकते हैं ऑयल डालते हैं पहले कोयले पे और इसके बाद इसको ढक देते हैं तो इसमें काफ़ी सारे स्मोक जमा हो जाता है और फ्लेवर आ जाता है तो यहाँ पर इसके बाद मम्मा बनाई थी लेयर्स वाली बिरयानी उससे पता नहीं क्या कहते हैं शायद ते वाली बिरयानी तो वो रेडी हो गई है और इस पर अच्छे तरीके से सालन ऐड कर दिया पहले मम्मा ने सोचा था थो थोड़ा थोड़ा करके दो तीन लेयर कर लें लेकिन उस पर बहुत देर लग रही थी इसलिए मम्मा ने सारे एक साथ डाल दिया और एंड में राइस डाल दिया तो ये हमारी मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बन के रेडी है वैसे मुझे टिक्का बिरयानी बहुत पसंद है लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैं बग़ैर खाए सो गई और मैंने इसी के साथ साथ कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की कल तो आई एम सॉरी गाइस लेकिन मेरी कल तबीयत खराब थी वरना मैं नहीं करती ऐसे और अब से जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्कूल में पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं वैसे अब हैं पेपर्स मिड टर्म के लेकिन जनवरी में हैं लेकिन अभी बहुत टाइम है हम आराम से याद कर लेंगे सारी लर्निंग बाद में हो जाएगी तो अब हम आ जाएंगे अपनी वीडियोस पर वापस से आज रात को मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी जिसकी वीडियो आपको शायद कल मिलेगी क्योंकि आज तो इतनी वीडियो रेडी हो सकती है क्योंकि मुझे अपलोड भी करनी है हम लोग लेट नाइट बनाएंगे और कल मैं प्रोजेक्ट की तैयारी करूँगी क्योंकि मुझे साइंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है वैसे तो वो ट्यूज़डे को करना है सबमिट लेकिन मुझे उसकी बहुत मुझे लगता है जैसे कि बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में तो मैं वो बाद में शेयर करूँगी और उसका टाइटल भी आपको कल पता चलेगा कि वो क्या है आज हम लोग उसके शायद ना परचेजिंग के लिए जाएंगे कि हमें क्या क्या चा चीज़ें चाहिए और यहाँ पर मज़े से का बिरयानी बन के रेडी है और मम्मा ने ये टेस्ट करके बताई कि मुझे भूख नहीं लगी थी और फ्राइडे एक पे चलते हैं फ्राइडे का भी मैंने इसको सुबह का नहीं बनाया बस हम लोग ने दोपहर में ही खाया था तो उसके बाद हलीम लाए थे जैसा कि आप लोगों को पता है लेकिन आज हलीम के साथ बिरयानी भी थी क्योंकि मैंने बिरयानी नहीं चखी तो मैंने बिरयानी निकाली थी मैंने बिरयानी चखी और सच्ची से बहुत ज़्यादा मज़े की थी और इसके बाद मम्मा ने बनाए थे पॉपकॉर्नस और यहाँ पर मैं नहीं हूँ या मेरी छोटी सी बहन जो इशू और ममा मिलकर किचन में ये पका रहे हैं शायद पॉपकॉर्न थे और इसके साथ मूँगफली थी ये दोनों चीज़ें बना रहे थे और उसके बाद हमने बाद में इन्जॉय किए मैं सोई हुई थी फ्राइडे के दिन क्योंकि मेरी अभी रूटीन हुई हुई है कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तो मेरी नींद पूरी हो जाती है और इसी के साथ साथ ये रेडी हो गया अब ममा से निकालेंगे और फिर मम्मा ले आई तो मैं उठ गई थी पॉपकॉर्न की स्मेल से और इसी के साथ साथ यहाँ पर कट हो गई है पता नहीं ये क्या है बस सोटों को डली थी कोई ग्रीन वेजिटेबल है मेथी है लेटस ये तो मुझे नहीं पता या शायद पीनच होगी और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बॉईल की हुई चिकन थी उसको अच्छी तरीके से क्या कहते हैं पता नहीं इसका अच्छी तरीके से बोटियाँ निकाल ली और इसी के साथ साथ ये मेरा डन हो गया और इसमें कॉर्न में डाल दिया मम्मा का कॉर्न सूप का फ्लेवर जो मम्मा का मसाला बना हुआ है इसके बाद आज मैं बनाई थी क्योंकि मैं पहले सीख चुकी हूँ कॉर्न सूप बनाना तो आज मैंने अकेले ने बनाया मम्मा मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करती जा रही थी लेकिन अगली दफ़ा तो मैं अकेले ही बनाऊँगी और कल हम आपके साथ तस्वीर की रेसिपी की भिंडी भी शेयर करेंगे कि वो कैसी भिंडी बनाती है और पूरी रेसिपी के साथ वो मम्मा के चैनल पर भी आएगी और मेरे चैनल पर भी आएगी इन और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी डाल दिया जिस कि मम्मा ने कहा था थोड़ा थोड़ा डालना है और इसके बाद मिक्स अच्छी तरीके से करना है ताकि कोई लम्पस ना हो तो मैं वैसे ही कर रही थी और बहुत ध्यान ध्यान से डाल रही थी इसके बाद मैंने एग जो था उसको अच्छी तरीके से तोड़ा और फिर अच्छी तरीके से मिक्स 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 किया और इसी के साथ साथ मैंने मैंनेक भी ट्राई कर लिया गाइस कि मैंने देखा था कि अगर आप जो बोते हैं जिंजर उसको अगर हाथ पे रब करो तो वो हो जाएगा पकड़ में आ जाएगा इसका छिलका अगर टूट के अंडे में गिर गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसे हम हाथ से लेते हैं वैसे ही आया तो ये हैक जो है फेल हो गया और इसी के साथ साथ यहाँ पर बन रहा है हमारा कौन सूप तो यहाँ पर मम्मा ने कहा था लाइट लाइट सा मिक्स करना वरना एकदम मिक्स हो जाएगा अंडा इसमें इसमें वैसे सिर्फ वाइट वाइट जब डलती है जर्दी नहीं डलती लेकिन हम लोग फिर जर्दी का क्या करेंगे बचा के तो इसलिए मम्मा ने कहा पूरा ही डाल दो तो मैंने पूरा डाल दिया और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स जमा हुए हुए हैं बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं और इन उन सब के रिप्लाइज मैं आपको कल दूंगी और कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी जो है उसको भी मैं अच्छी तरीके से शेयर करूँगी और शायद मैं कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी जो है वो शॉर्ट्स में भी डालूँ क्योंकि बहुत ईजी होती है तो वो हम शॉर्ट्स में भी डालेंगे तो अच्छी तरीके से बच्चे बना पाएंगे और ये ऐसी रेसिपी है कि बच्चे भी बना पाएंगे और पीने में अब मुझे नहीं पता मैं तो वैसे कोल्ड कॉफ़ी पीती नहीं हूँ लेकिन मैं कल कर ट्राई करूँगी अगर अच्छी बनी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ओह सॉरी आज और यहाँ पर अब मैं इसको कर रही थी सर्व तो अब इसमें मैंने जो जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने डाल दी चिली सॉस सोया सॉस और मैंने पहले विनेगर डाला लेकिन मम्मा ने मुझे मना किया बोला विनेगर नहीं डालो और चिली जो होती है उसमें विनेगर डाल के हम अच्छी तरीके से नहीं करते मिक्स तो चिलीज़ में फ़्लेवर आ जाता है तो फिर वो मैंने रेडी किया और वो मैंने नहीं रेडी किया सॉरी मम्मा ने किया और इसके बाद मैंने इस पर चाट मसाला डाला एंड देन ये रेडी है बन के तो इसमें मैंने चिलीज़ डाल दी और इसी के साथ साथ आप कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे ना और अब तक नहीं किया तो आप कर दें और कल क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग अगर अपने नेम के साथ करेंगे वो ज़्यादा सही होगा ताकि मैं नेम लेके आप लोगों का कर दूं और जब नेम मैंशन नहीं करना चाहते तो मैं उनका यूज़र नेम जो होता है वो डाल दूंगी इसी के साथ साथ हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड कल मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा सूप बनाने पर यह मैं आपसे कल शेयर करूँगी तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय